उमर, देखो मेरे साथ कौन आया है। तो तुम यहां आखिर आई गई हो, मेरी प्यारी कजन। हाँ, ये मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। क्या ऐसा ही है सुदे? हाँ बिल्कुल उमर, और सिनान मुझे कॉफी के लिए बाहर लेके जा रहा है। यहाँ कोई बहुत अच्छी सी जगह है शायद। फिर शुरू हो गए क्या? हाँ कुछ भी तो नहीं। हाँ उमर, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जब तुम यहाँ नहीं थे तो मिस्टर ट्रांबा का इंतकाल हो गया था। क्या? बदकिस्मती से। अल्लाह उन्हें सुकून दे। अभी तक हम लोगों के बीच बहुत मसले थे यार, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है। हाँ, लेकिन उससे भी बुरा आ रहा है, टेनिस। या अल्लाह, अब उनकी जगह शायद डेनिस ले लेगा। क्या डेनिस ट्रांबा का बेटा है? मुझे तो लगता है वो अच्छा आदमी है। ऐसी हालत में हम डेनिस के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, समझ गई। देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों नहीं पसंद तुम्हें। उमर सर। बोलो डेफनी। मैं ड्राई क्लीनर के पास जा रही थी तो सोचा आपको बता दूं कि मैं जा रही हूं। ठीक है। एक मिनट, हम पहले मिले नहीं। हेलो, मैं सूदे हूं, उमर की कजिन। नरमीन मैडम की बेटी। मिलकर खुशी हुई, मैं डेफनी हूँ, उमर सर की असिस्टेंट। मुझे भी बहुत खुशी हुई, फिर मिलेंगे। मैं चलती हूँ अब। हाय, फिर कोई नहीं है। इस वक्त तो मुझे सबको देखना चाहिए था। हाय, तुम कितने बदकिस्मत हो। उफ। चलो मैं ही जाता हूँ। क्लास और क्रिसमस से भरपूर हूँ। हाय, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कहीं मुझे खुद की नजर न लग जाए। हाय, अजीब सी बात है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। क्या अजीब है, आपका खुद से बात करना। तुम मेरा स्वागत करने आई हो। देखो आज करण जौहर भी आ रहा है, उसका हक तो नहीं छीनने वाला ना मैं। अवार्ड सोच रहा था उसे दे दूं, पर क्या करूं, दुनिया में मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े कोई बना सकता है क्या? कॉलेज सर, शायद आप शाम तक टक्सिडो में रहने का सोच रहे हैं। हाय मेरी जान, मैं तुम्हें इस ऑफिस में देख देख के पक गया हूँ। चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह अपनी अजीब सी शक्ल दिखाती हूँ मुझे। या अल्लाह, मुझ में से टैलेंट टपक रहा है। हाँ देखो, यहीं कहीं गिर गया होगा, थोड़ा सा उठा लो, काम आ जाएगा। ओहो, वैसे मैं भी बहुत नवाब हूँ। मेरी जान, तुम चाहो तो इसको अपने मन में 4 बार बोलो, फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा। बस सूरत सी लड़की। कोरे, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हाय, तुम्हें तो बुरा नहीं कहना था। अच्छा मुझे माफ कर देना, बल्कि तुम तो मेरी जिंदगी हो। ओहो, अच्छा लग रहा हूँ, मुंह देखा है अपना। हाय, अपनी काली नजरें दूर रखो, और वो भी बदसूरत सी। मेरे पास बहुत काम है, मुझे उमर को भी दिखाना है अपने आप को। शर्म करो बेवकूफ, चलो निकलो यहाँ से अब, जैसे मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। दफा हो जाओ, तू मेरा मूड खराब करने आ गई है तुम यहाँ से। तुमसे नफरत करता हूँ मैं, बहुत नफरत करता हूँ मैं। उमर, लड़की, तुम कोरे, मेरी जान आओ। कैसे हो तुम? देखो मेरा ड्रेस, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। मुझे भी बहुत याद आई, पर तुम्हें हो क्या गया है? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाय, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। वाह कोरे, क्या जिंदगी है तुम्हारी, काश मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह गुजार पाता। हाय, ताना मार रहा है, देखा तुमने कैसे ताना मार रहा है मुझे। उस पर ध्यान मत दो, बस हम जा ही रहे हैं, तुम्हें पता है अब तो मैं यहीं आ गई हूँ। हाय, तुम तो सही कह रही हो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय 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 बाय।
निकलो। उमर उमर सुनिए कोरे सर। चुप, अजीब सी लड़की। उमर ऐता, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल नालायक, बेवकूफ, पूरे कार्टून लग रहे हो तुम। अब मैं रो दूंगा। क्या तुमने हमारे विंटर कलेक्शन को देखा कोरे? लगता है तुम्हें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। उफ, तुम जैसा बॉस मैंने कभी नहीं देखा। भाई मुझे तो इस वक्त किसी और चीज की फिक्र नहीं। आज शाम तुम देखना, जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं कितनी बड़ी पार्टी दूंगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करने वाला हूँ। खैर, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, बर्फ पिघल रही है। एक बात बताऊं उमर, इंसान तारीफ ही कर देता है, तुम्हारी वजह से लोग सोचेंगे मैं अपनी तारीफें खुद करता हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया मेरी जान, एक दिन तुम भी मेरी तरह बनोगे। डेफिनेटली तुम्हारी कॉफी तैयार है, आ जाओ। थैंक यू मेरी जान, लेकिन पहले मैं ये रख के आ जाऊं जरा मुझे इसका। अरे अरे, अरे अरे, ओहो ये क्या किया तुमने? पूरी कॉफी गिर गई डेस्क पे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर दिया? चल गई मैं। देखो देखो कहीं ज्यादा तुम जला। एक मिनट, मैं फूंक मारता हूं, मैं फूंक मारता हूं। देखो क्या पागलों की तरह चलते हो, पागल आदमी। जला दिया ना मुझे, गधों की तरह चलता है ये। अरे मुझे, अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, मेरा तो दम ही निकल गया। कुराय साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी दाढ़ी कम की है, देखे ना, आप बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक लग रहा हूँ ना? ए लड़के, दाढ़ी कटवाने से क्या होगा, इंसान की शक्ल अच्छी होनी चाहिए। बदसूरत इंसान दाढ़ी कटवा कर आया, चलो यहाँ से। बदसूरत? बदसूरत हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, कैरिस्मेटिक हूँ, कैरिस्मेटिक। हाँ चलो चलो, अपना काम करो, इतना भी नहीं जला, चलो। थप्पड़ मारूं ना इसके मुंह पे तुम्हें। डेफनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कॉफी गिर गई थी मुझ पे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपका टक्सीडो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम मुझे ये दे दो और शुक्रू के साथ घर चली जाओ, आराम करो। क्या तुम्हें बहुत फिक्र है? मैं कपड़े नहीं बदल सकती, मेरे पास कुछ है नहीं पहनने को, अभी घर भी दूर है, मजबूरन ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं, अब तो हद ही हो गई है, बस। क्या कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो तुम ये पहन लो, मैं टैक्सीडो पहन लूंगा। क्या मतलब? ये पहन लो वरना तुम बीमार हो सकती हो, समझी? ये लो। ठीक है, शुक्रिया। उसको देखकर तो मैं एक ही जगह रुक जाती हूँ, पता नहीं मैं बात कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी मैं उससे। ओ दारिया, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी तुम? पहले ही बता रही हूँ। क्या करोगी, क्या पहन लोगी? हाँ दारिया, हाँ पहन लूंगी, यहाँ तक चढ़ा लूंगी, ठीक है, देख लो तुम भी। हाय अल्लाह, इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? कुछ तो हुआ है, बताओ बताओ प्लीज। बताओ बताओ पागल कहीं की, हटो यहाँ से, इडियट पागल। हाँ वो कुछ वक्त तक मेरी असिस्टेंट भी थी, मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने कंपनी के अंदर असिस्टेंट बदलने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। कंपनी के अलावा कोई और भी है जिसकी तुम्हें परवाह हो? तुम ठीक नहीं हो, बहुत बुरी हालत में हो, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है, किसने तकलीफ दी तुम्हें? आखिर किसी को तुम्हारे दिल में जगह मिल गई होगी, है ना, और वहां बस गई होगी वो। नहीं, क्या बात कर रही हो, कौन तकलीफ देगा मुझे, सिर्फ काम की वजह से ऐसी हालत हुई। मुश्किल है क्या? शायद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर तुम और बोलोगी तो ज्यादा मसला होने लगेगा। और हाँ वैसे एक बात पर मेरा ध्यान गया है, और वो है तुम्हारा स्टाइल।
अगर मैं ना होती तो तुम्हें उतना पसंद नहीं आता। ओ, बोल्ड हाँ? हाँ बिल्कुल। शायद तुम जानते हो या नहीं, लेकिन मैं चेंज हो गई हूँ। खुद पे यकीन है मुझे। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। वो तो दिख रहा है मुझे। बड़ी हो गई हो तुम। तुम अभी बहुत छोटी हो। हाँ बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा ये सुनके कि आप चेंज हो गए हैं। कॉफी खत्म करो फिर चलते हैं। आज शाम हमारी अवार्ड सेरेमनी है। मुझे ऑफिस जाना होगा। ठीक है। क्या है भाई? अच्छी लग रही हो, चलो आओ। कहाँ? अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हम क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि हमारे बॉस को अवार्ड मिलने वाला है, हमें वहाँ जाना चाहिए। डेफनी, सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। ठीक है, मैं उमर सर से मिलकर आती हूँ। उन्हें बता दूँ कि मैं भी जा रही हूँ, बस ये काम खत्म करके आती हूँ, बता के आती हूँ। वाह भाई, यास्मीन मैम ने आज तक मुझे एक पेन भी नहीं दिया और उमर सर ने तुम्हें शर्ट ही दे दी। शायद मैडम मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या मैं जा सकती हूँ? जाऊँ मैं? अरे कंप्लीट फ्रेम में तो पिक्चर लो। उमर जान थोड़ा सा तो हंस दो, बस ये लास्ट पिक्चर ले रहा हूँ। मस्कुराए, बहुत हो गया, आप तस्वीरें लेना बंद करो। अरे सिनान, तुम दोनों अपना मूड तो ठीक करो। मेरी जान, हम लोग बहुत बड़े लोग हैं। हम तीनों जब एक साथ पार्टी में एंट्री मारेंगे तो प्रेस वाले अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, उसी की हम गॉसिप बनाएंगे, उसी के बारे में तो हम ऑफिस में बात करेंगे। क्यों उमर, तुम क्या सोच रहे हो अब? क्यों सिनान, बस बस बस, देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, अपनी शक्ल सीधी करो। बस कोरे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब हम मजीद फोटोज नहीं बनवा रहे। शुक्रिया तुम्हारा। तुम लोग अब दिमाग खा रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं। कोरे, तुम अपनी सेल्फियां खुद लेकर थकते नहीं हो? ये क्या बकवास है? मेरी जान, हर इंसान अपनी सेल्फी लेता है। या अल्लाह, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसी ऐसी सेल्फीज लेता कि दुनिया पागल हो जाती। और अगर मैं तुम्हारी जैसा होता तो मैं अपने आप को घर में कैद कर लेता कि किसी की नजर न लग जाए मुझे। बुर्का पहन के बाहर जाता मैं और घर में अपने आप को शीशे में निहारता। हाय उमर, काश के ऐसा हो सकता, मगर लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं होना चाहता। कोई मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही, चुप कर जाओ। माफ कीजिएगा उमर सर, मैं अब जा रही हूँ, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो आखिरी फोटो खींच लेते हैं, ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम क्या खड़े हो? ठीक है यार, दोबारा बना लो। मुस्कुराओ एक बार और। आज तारे जमीन पर आ गए हैं। बातें सुन लो तुम्हारी। मजाक था ये। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं लगता, पता नहीं कब क्या बोल दो। देखो, अब सीरियस होने की जरूरत नहीं, मूड ठीक करो अपना। अच्छा चलो आओ। चार्ज नहीं है फोन? नहीं,
मैंने कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड किए हैं ताकि रास्ते में सुन सकें। वाह, तुमने हमारे लिए मिक्स टेप बनाई है। मिक्स टेप भी होती है? हाँ, नहीं होती, लेकिन मिक्स टेप कहने में मज़ा आता है। हमारे ज़माने में इसकी साइड ए और साइड बी होती थी, गाने नंबर्स के हिसाब से याद हुआ करते थे। लगता है मेरा आशिक 90s की फिल्मों का हीरो है। माफ़ कीजिएगा यास्मीन मैडम, मेरे पास आपके जैसी खास क्वालिटीज़ नहीं है। फिर बात घूमकर मुझ पर आ गई। जी हाँ, है बात तुम पर ही आना चाहती है। गधे। आज मैं तुम्हें पागल ही कर दूंगी। कोई पसंद है उसे, प्यार करता है वो उससे, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। मुझे लगा कि वो मोहब्बत का दर्द नहीं झेल सकता, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो मैं उसे हटा दूंगी। उसे मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैं चाहती थी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करे, और ऐसा ही होगा। यार मजा आ गया आज के मैच में। तुमने देखा मैंने कैसे परफॉर्म किया? बहुत मजा आया। तुम तो मेरी काबिलियत पे फख्र करते हो ना। जबरदस्त। यस। ओह, सुधे, सिनान, तुम यहाँ पर अचानक? मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहती थी। ओह, शुक्रिया। लेकिन अभी किया कहाँ है? सुधे, देखो हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत गलत होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिनान, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करूंगी तुम्हें। तुम बहुत छोटी हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अकेले नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं पिक कर लेता। हाँ। क्या करें, अंदर चलें या उमर का इंतजार कर लें? नहीं सिनान, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है, नाराज मत हो, तुम्हारी फरमाइशें भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है तो शुक्र, तुम जाओ डेफनी को ले आओ। डेफनी ने कहा था कि वो खुद आ जाएगी। उसको बोलने दो, तुम ले आओ। ठीक है सर। हेलो पार्टनर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो।
तुम भी बहुत। थैंक यू। कैसे हो उमर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं एक मिनट में आया। कैसे हो उमर? अफसोस हुआ मुझे, मैं इस्तांबुल में नहीं था वरना जरूर आता। कोई बात नहीं, कैसा चल रहा है सब? सब ठीक। इनको तो देखो जरा, ठाकुर और गब्बर जैसे लग रहे हैं। हाँ, फिर तुम तो वीरू हुए ना? हाँ, अगर मैं वीरू होता तो बसंती सिर्फ मेरी ही होती। हाँ, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि बसंती होगी कौन। मैं खुद तुमसे मिलना चाह रहा था, कुछ बात करनी है जरूरी। वैसे कब फ्री होगे तुम? बहुत जल्द। मुझे एक छोटा सा काम है, चलोगे साथ? तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। जैसा तुम कहो। वापस जाते हुए भी हम यही गाना सुनेंगे, खास तौर पे पहला वाला। ठीक है, ऐसा ही होगा। शायद मैं बॉस्फोरस के सामने गाड़ी रोककर वहाँ पर बैठकर फिर तुमसे कुछ बात करूँ और फिर हम दोनों। डेनिस? यास्मीन, तुम फ्रंट सीट पर बैठी हो, वैसे कितनी शर्म की बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुम कैसे हो? आज मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम बिजी थे। तुम जा सकते हो, मैं निकलने से पहले तुमको कॉल करके बताती हूँ। ऐसी बात है यास्मीन मैडम, क्या आप बता देंगी मुझे? कोई मसला है क्या यास्मीन? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है इस्माइल, मैं बता दूंगी। हमारे एसोसिएशन के वोट से फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस कॉन्सेप्ट के साथ कि लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड उनके जूते होते हैं, और इसका अवार्ड जाता है फोटोग्राफर कोरे को, बहुत सारी तालियों के साथ। मेरा नाम मैं बेहोश ना हो जाऊं कहीं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का उमर। कांग्रेट्स। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अच्छा इधर भी कर लो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। ए लड़की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अरे मेरी जान। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सबका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमर का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ। इस जर्नी के पीछे एक बहुत लंबी कहानी। सिनान सर। अरे वाह, क्या जब बात जब है। मैं जब ये सोचता बहुत कि अच्छी मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, यकीन नहीं आ रहा। तो एक अनजानी आप बहुत अच्छे हैं सर। मेरे आगे आकर ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप मेरी इतनी तारीफ करते हैं। और मैंने करके दिखा दिया। बहुत शुक्रिया लोगों का प्यार। तुम्हारी टेबल वहां है, आओ चलो चलते हैं। अरे नहीं सिनान सर, दिल से करो। मैंने ऑफिस में आपको नहीं बताया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मैं उमर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या? नरमीन मैडम का खेल जो चल रहा है, और वो 2000 लीरा की बात, सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि उसे सब कुछ पता चल जाए। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया, तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी जान। अब वक्त है साल के सबसे अच्छे डिजाइन के अवार्ड का, और ये अवार्ड जाता है उमर इपलिक्ची और सिनान करकया को। आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। डेफिनेटली। चले जाइए आप। अवार्ड देने के लिए मैं गुजारिश करूंगी टर्की शू मेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुसैन चेतन साहब का कि वो आए स्टेज पर और अपने हाथ से अवार्ड दें। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ। शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका। यह अवार्ड उन सबके लिए है जो हमारी कंपनी में काम करते हैं। आप सबके सामने मैं तमाम काम करने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक्स टू ऑल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अपनी कंपनी में सब काम करने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप सबके सामने मेरे दोस्त मेरे भाई उमर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच। तुम और नहीं भाग सकते हो अब उमर, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। मैं क्यों गई या फिर मुझे क्यों जाना पड़ा। शायद तुम्हें सच पसंद ना आए, पर उमर बात सुनो। एक सेकंड सिनान। अरे एक सेकंड नहीं, जल्दी आओ। क्या जल्दी है भाई? नियाजी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। अरे नहीं मिल पाओगे, वो चले जाएंगे। वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं, जल्दी आओ। सिनान तुम एक मिनट के लिए इंतजार नहीं कर सकते क्या? एक मिनट में हो जाएगी तुम लोगों की बात। ठीक है मैं आ रहा हूं। चलो यहां यहां। मत करो, क्योंकि ये सही नहीं है। क्या सही है फिर? उसका ये सोचना कि मैं उसे छोड़कर चली गई थी। जो होना तो हो गया। जब उसे पता चलेगा कि उसके इर्द गिर्द लोग झूठ बोल रहे हैं तो उसे ज्यादा दुख होगा। पर अब मैं उससे कुछ भी बिल्कुल नहीं छुपा सकती। क्या करूं मैं, आप बताएं। चाहे वो टूट क्यों ना जाए। देखो मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर उसे हकीकत पता चल गई तो वो हम में से किसी की भी शक्ल नहीं देखेगा, ना अपने चाचा की, ना हमारी और ना तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम उसे तकलीफ में डाल दोगी। ये मत करो। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इसरार करती हो तो आज की तरह मैं तुम्हें हर मौके पर रोकूंगा।
मत करो। दरअसल काम में लगे रहते हैं, नया सीजन चल रहा है। लेकिन मुबारक है। सिनान कह रहा था। ओ, सिनान भी आ गया। बहुत मुश्किल से आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया। बहुत शुक्रिया। मैं जरा आता हूं। ओह, माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? कौन है ये लड़की और ये इतनी जल्दी में क्यों है? किसको ढूंढ रहे हो? नहीं तो, किसी को नहीं ढूंढ रहा। अरे अपने गिलास लाओ जल्दी जल्दी लाओ। चाचा, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत मजे करने वाले हैं, पहले ही बता दूं, बाद में बुरा मत मानिएगा। हाँ, मेरे बाबा को सेलिब्रेट करना आता है। मजे करो बच्चों, जितना चाहो मजे करो, तुम्हारा हक है। तुम लोग इतना काम भी तो करते हो जिस पर मुझे बहुत फखर है। ये मेरी नहीं, हम सब की कामयाबी है, इसमें आपका भी हाथ है चाचा। अब से आप भी हमारी कंपनी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। सिनान मेरे भाई, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अरे यार बस करें, आप दोनों तो हमें रुला ही देंगे। हाँ, कोई नहीं रोएगा, यही है खूबसूरत। क्या बात, अरे अपने गिलास लाओ जल्दी जल्दी। मैं देखता हूँ। चाची, आप कैसे हो मेरी जान? गुड इवनिंग, उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। हाँ बिल्कुल, डिस्टर्ब किया है तुमने। आइए चाची जान, आप भी हमें ज्वाइन करें। खुश आमदीद अम्मी। थैंक्स डार्लिंग, मैंने सोचा आके मुबारकबाद दे दूं। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए एक गिलास ले आता हूँ। नजबी, बात नहीं करोगे? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। डेफनी, ये क्या कर रही हो तुम? नरमीन मैडम को नुकसान पहुंचा रही हूँ। छुटकी कहाँ है? मैंने उसे नानी के पास भेज दिया ताकि आराम से यहाँ गुस्सा कर सकूं। नेहान, पैक करवाओ यार, क्या खड़ी हुई हो तुम? ये वो कपड़े हैं जो नरमीन मैडम ने मेरे लिए खरीदे थे, मैं इन सब पर लालच भेजती हूँ। चलो जल्दी करो ना तुम, अरे भरो ना शॉपर में जल्दी। चलो तुम इसे पकड़ो जरा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ लेकिन डर लग रहा है। पूछो पूछो पूछो, मेरे पास बहुत ही अच्छा जवाब होगा। उमर से बात हुई तुम्हारी? नहीं। मुझे बताओ कि जरा क्या बात हुई तुम्हारी? बॉर्डर से लौना तो बिल्कुल बताने ही वाली थी बस मैं। अरे यार,
मैंने बात शुरू की, सब बताने वाली थी। नरमीन मैडम आ गई? नहीं, सिनान सर आ गए, बहाने से उमर को वहां से ले गए और मुझसे बोले कि ना बताओ, उमर टूट जाएगा। सही कहा उसने, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वो ठीक है, मगर मैं भी ठीक हूँ निहान। मैं हमेशा ये झूठ बोलकर उमर के साथ नहीं रह सकती। ऐसा लग रहा है कि मैं जंजीरों से बंधी हुई हूँ निहान। बहुत मुश्किल हो रहा है अब ये। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और ये सब क्या कर रही हो तुम, बताओ मुझे। मैं अब असल डेफनी बन के रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। नरमीन की बनाई हुई वो गुड़िया नहीं रहूंगी अब। मुझे पहले इन कपड़ों से जान छुड़ानी होगी। मेरे ऊपर सिर्फ मेरे अपने कपड़े होंगे। डेफनी को वो मिटा मिटा कर दोबारा नहीं बना सकती। बिल्कुल नहीं बना सकती। नजमी, बात नहीं करोगे? नरमीन, मैं बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तुम जानती हो मैं अभी कुछ दिनों अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती, तुमसे दूर भी नहीं हो सकती। रह सकती हो नरमीन, रह सकती हो। मैं तो तुम्हारे साथ भी अकेला होता हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? तुम सिर्फ अपनी करती हो, मेरी मानती कहाँ हो? नजमी, नरमीन प्लीज, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम भी इसरार मत करो, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अम्मी जान, बाबा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अम्मी जान, चलिए हम घर चलते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। चलिए। चले। नजमी साहब। हाँ कहो। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। ठीक, मैं भी चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू। लव यू टू मेरा प्यारा बच्चा। चाची चली गई क्या? जाने दो उसे, वो चली गई यही बेहतर है। जाने दो उन्हें, बस इतना ही कहना है आपको। उमर, सवाल तो मैं भी तुमसे ये पूछ सकता हूं।